मुल्क के हिंदुस्तान में बहुत ही इज्जत और वकार के साथ सामईन उसे देखते हैं, उसे सुनते हैं। कभी सम्मेलन हो या ऑल इंडिया मुशायरा, उसका एक शेर बहुत ही मकबूल और मशहूर है कि मैं तो दिल्ली भी नहीं हूँ कि कई बार लुटूं, मैं तो दिल्ली भी नहीं हूँ कि कई बार लुटूं, एक ही बार में वीरान हमें होना है। ये खूबसूरत शेर का खालिक मयकश आजमी, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ इस एतमाद के साथ कि आज के इस मुशायरे को यकीनन खूबसूरत और बावकार बना देंगे। माइक पर मयकश आजमी साहब। का उजाला छीन लेते हैं मोहब्बत और वफाओं का उजाला, बेसर से इज्जत का दुशाला छीन लेते हैं। मोहब्बत और वफाओं का उजाला छीन लेते हैं, किसी भी सर से इज्जत का दुशाला छीन लेते हैं। भला वो क्या मिटाएंगे गरीबी मुल्क से मयकश, भला वो क्या मिटाएंगे गरीबी मुल्क से मयकश। गरीबों के जो मुंह से दीन वाह, क्या कहने में, गरीबों के जो मुंह से दीन वाला छीन लेते हैं। बहुत अच्छा भाई, फिर पढ़ो बाबा, पढ़ते रहो भाई। दोस्तों हामिद साहब का हुक्म है इतने फिर से चार मिसरे हाजिर करो, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि आपको पहली बार ये चार मिसरे समाप्त फरमा रहे हैं। मोहब्बत और वफाओं का उजाला छीन लेते हैं, किसी भी सर से इज्जत का दुशाला छीन लेते हैं। भला वो क्या मिटाएंगे गरीबी मुल्क से मयकश, गरीबों के जो मुंह से दीन वाला छीन लेते हैं। दोस्तों ये चार मिसरे मैं बहुत अच्छे आपकी अदालत में रख रहा हूँ। दोस्तों अगर सच्चा हो तो आपकी मोहब्बतें चाहता हूँ। मौज भाई आप तशरीफ रखते हैं। किसी भी शख्स की बेजा सताइश हम नहीं करते, फकीरे बात है दौलत की ख्वाहिश हम नहीं करते। किसी भी शख्स की बेजा सताइश हम नहीं करते, फकीरे बात है दौलत की ख्वाहिश हम नहीं करते। वतन पे जान दे देते हैं जब भी वक्त आता है, वतन पे जान दे देते हैं जब भी वक्त आता है। वतन से प्यार की झूठी नुमाइश हाँ, बहुत अच्छे मयकश, प्यार की नुमाइश हम करते, क्या सच्ची तस्वीर। तो चार मिसरे डाइस के लिए दे रहा हूँ, आप सब तक पहुँचा रहा हूँ। गुनाहों पा किसी को अब पशेमानी नहीं होती, गुनाहों पर किसी ये दुनिया कब किसी की दुश्मने जानी नहीं होती। गुनाहों पा किसी को अब पशेमानी नहीं होती, ये दुनिया कब किसी की दुश्मने जानी नहीं होती। बहुत अच्छी। लुटे अस्मत किसी की या किसी की जा चली जाए, लुटे अस्मत किसी की या किसी की जा चली जाए। कोई हो हादसा को हैरानी नहीं होती, कोई हो हादसा को
को हैरानी नहीं हो। दोस्तों मैं आजमगढ़ से दोस्तों आया हूँ। एक बात मैं अर्ज कर दूं कि कुछ दिन पहले आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी कहा गया, फिर उसके बाद कैसे कैसे लोग पकड़े गए और क्या क्या हुआ। दोस्तों मैं चार मिसरे आपकी अदालत में रख रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़े, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। अगर सच्चा हो तो आपकी मोहब्बत है, कोई खामोश नहीं रहेगा अगर सच्चा हो तो। मुलाजा फरमाए, मीडिया ने एक रातों रात आजमगढ़ को आतंकवाद की नर्सरी कह दिया। मुलाजा फरमाए, हर एक न्यूज, हर एक चैनल, हर एक अखबार शामिल है हमारे कातल में, हर साहिब किरदार शामिल है। हर एक न्यूज, हर एक चैनल, हर एक अखबार शामिल है हमारे कातल में, हर साहिब किरदार शामिल है। रुकेगा अब ये दहशतगर्दी का भी सिलसिला कैसे, रुकेगा अब ये दहशतगर्दी का भी सिलसिला कैसे, कि दहशत को ही फैलाने में जब सरकार शाह को। बहुत अच्छे मैं करता, वाह 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 वाह, मैं फिर पढ़िए भाई क्या कहने, वाह वाह हौसले देखिए कितने बढ़ गए, वाह वाह वाह। मैं आपके हौसलों की दाद देता हूँ, बहुत अच्छे मैं करता क्या कहने। हर एक न्यूज, हर एक चैनल, हर एक अखबार शामिल है हमारे कातल में, हर साहिब किरदार शामिल है। रुकेगा अब ये दहशतगर्दी का भी सिलसिला कैसे, कि दहशत को ही फैलाने में जब सरकार शामिल, दहशत को ही फैलाने में जब सरकार शामिल है। दोस्तों दुनिया का कोई भी मजहब ये नहीं कहता अपने वतन से मोहब्बत न करो। मजहब इस्लाम ने भी इस बात की तबलीग की, इस बात की दावत की। चार मिसरे मुलाहजा फरमाए और मुल्क के हालात। कहीं पे गीता जलती है, कहीं कुरान जलता है, कहीं पर कहीं मजहब, कहीं पर दीन और ईमान जलता है। कहीं पे गीता जलती है, कहीं कुरान जलता है, कहीं मजहब, कहीं पे दीन और ईमान जलता है। कहीं दहशत, कहीं दंगा, कहीं पे धर्म के झगड़े, कहीं दहशत, कहीं दंगा, कहीं पे धर्म के झगड़े, जिधर देखो उधर ही प्यारा हिंदुस्तान, जिधर देखो उधर ही प्यारा हिंदुस्तान जलता है। दोस्तों चार मिसरे और मुलाहजा फरमाएं, महकश भाई पढ़ते रहिए आप, वाह वाह वाह। चार मिसरे और मुलाहजा फरमाएं, वतन होता है सबसे बढ़ के ये ईमान सबका है। सुनील भाई सब, वतन होता है सबसे बढ़ के ये ईमान सबका है, वतन की आबरू के वास्ते बलिदान सबका है। वतन होता है सबसे बढ़ के ये ईमान सबका है, वतन की आबरू के वास्ते बलिदान सबका है। सभी ने ही लहू देकर के महकश ईस को सींचा है,
कभी नहीं लहू दे कर के मैं कश इसको सींचा है। सभी हिंदुस्तान के अल ये हिंदुस्तान, सभी हिंदुस्तान के अल ये हिंदुस्तान सबका। दोस्तों मैं एक छोटी सी नज़्म पेश करना चाहता हूँ। मैं कई रातों से मुसलसल जाग रहा हूँ, मेरी आवाज साफ नहीं रही, मैं इसलिए हल्के हल्के ढंग से पढ़ रहा हूँ। अगर मैं कहीं से मुझे ये लगेगा कि मैं ये नज्म तरन्नुम से नहीं पढ़ सकता हूँ तो मैं तहत में पढ़ूंगा, सुनाऊंगा आप। ये पैगाम एक है, ये कोई शायरी मैं समझता हूँ कि पैगाम है, एक मैसेज है, एक संदेश है। नज्म का उन्वान है दहशत गर्द अमरीका। दोस्तों दुनिया में सबसे पहले एटम बम जिसने बनाया वो अमेरिका ने, दुनिया में सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल भी अमेरिका ने किया, और जहां इस्तेमाल किया गया वहां के लोग आज भी लूले लंगड़े और माजूर पैदा हो रहे हैं। मुलाहजा फरमाएं दहशत का जुल्म जबर तो फैलाया तूने। लेकिन मैं दोस्तों चाहता हूँ एक बार सब मिलके जोरदार एक बार ताली बजा दें ताकि ये लगे कि आप इशारा सुने। नहीं, इससे ये भी मालूम हो जा रहा है कि किसका जेब किसके हाथ में है। तो मुलाजा फरमाए दहशत का जुल्म जबर तो फैलाया तूने। दहशत तो जुल्म जबर तो फैलाया तूने, दहशत तो जुल्म जबर तो फैलाया तूने। अमरीका कैसा रास्ता अपनाया, अमरीका कैसा रास्ता अपनाया तूने। और बंद समाप्त फरमाए जापान की जमीन तो रोती है आज भी, एटम बमों के कल्ब को ढोती है आज भी। माजूर नस्ले आदमी होती है आज भी। जापान की जमीन तो रोती है आज भी, एटम के कल्ब को ढोती है आज भी। मासूर नस्ले आदमी होती है आज भी। इंसानियत को खून में नहलाया तूने, अमरीका कैसा रास्ता अपनाया तूने, अमरीका कैसा रास्ता अपनाया तूने। और ये बंदी समाप्त फरमाए तेरे गजब की भेंट चढ़ावे नाम है, तुझसे रात वालों का जीना हराम है। अफगानियों के खून से भरा तेरा जाम है, तेरे गजब की भेंट चढ़ावे नाम है, तुझसे रात वालों का जीना हराम है। अफगानियों के खून से भरा तेरा जाम है। हैवानियत की आग को भड़काया तूने, अमरीका कैसा रास्ता अपनाया तूने। यूएनओ जिसका अमन के बारे में नाम है, दरअसल ये दारा तो तेरा गुलाम है। इस आड़ में तू चाहता अपना निजाम है। यूएनओ जिसका अमन के बारे में नाम है, दरअसल ये दारा तो तेरा गुलाम है। इस आड़ में तू चाहता अपना निजाम है। शैतानियत के जाल को फैलाया तूने, अमरीका कैसा रास्ता, अमरीका कैसा रास्ता अपनाया तू। दोस्तों मैं